दोस्तों, अगर आप कोई गांव से व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो एक मिट्टी की जांच का व्यवसाय आपके लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। सर, एक बार अपना परिचय कराएं और फिर जो एक मिट्टी की जांच का जो व्यवसाय है इसके बारे में थोड़ा बताएं। किसान भाइयों को नमस्कार, मेरा नाम वजीर सिंह दैया है, मैं हार्वेस्टो ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। और ये हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, इसको लगा के कोई भी किसान भाई अपने गाँव में मिट्टी जाँच केंद्र खोल सकता है। कोई भी किसान भाई या नौजवान अपने गाँव में इस मशीन को लगा के मिट्टी जांच केंद्र खोल सकता है और एक अच्छा पैसा भी कमा सकता है। वह आसपास के किसानों को भी इस मिट्टी जांच केंद्र से काफ़ी फायदा मिलेगा। इस मिट्टी जांच केंद्र से सोयल के 14 पैरामीटर की जांच होती है, जैसे ऑर्गेनिक कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिंक, बोरोन, सल्फर, आयरन, मैगनीज, कॉपर, ईसी, पीएच, लाइम रिक्वायरमेंट एंड जिप्सम रिक्वायरमेंट। और ये मुश्किल से दो से तीन घंटे में रिपोर्ट दे देती है। तो जो भी किसान भाई कोई मिट्टी लेके आता है तो सेम डे उसको रिपोर्ट मिल जाएगी और वो अगले दिन अपना बुआई कर सकता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि अभी जो किसान भाई बगैर जाने पहचाने अनजाने में जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं या वो फर्टिलाइज़र जो ज़रूरत है वो डालते नहीं है, तो इससे ये पता लगेगा कि कौन सा फर्टिलाइज़र कितनी मात्रा में डालना है, जिससे एक तो किसान का जो है इनपुट कॉस्ट कम होगी, वह पैदावार बढ़ेगी, जिससे किसान की इनकम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे से दोनों तरीके से किसान की इनकम बढ़ती है। मिट्टी जांच केंद्र खोलने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं, कोई भी 10वीं 12वीं पास नौजवान भी ये मिट्टी जांच केंद्र खोल सकता, बहुत ईजी है। और जो भी किसान भाई या नौजवान भाई खोलता है, मिट्टी जांच केंद्र खोलता है, तो उसको हम एक दिन का ट्रेनिंग देते हैं। और इसको हम पहले, जैसे सोयल कोई किसान लेके आता है सोयल सैंपल, तो सोयल सैंपल को पहले हम केमिकल मिला के और इन बोटल्स में यहाँ पे आधा घंटे के लिए शेकिंग के लिए रखते हैं। शेक करने के बाद उसको हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करके फिर इसमें यहाँ पे उस सैंपल को रखते हैं, सैंपल रख के और मशीन से हम रीडिंग ले लेते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत जल्दी इसकी रिपोर्ट तैयार हो जाती है। और इसकी रिपोर्ट जो है वो मोबाइल पे भी आ जाती है, मोबाइल से सीधा किसान के मोबाइल पे SMS के द्वारा या WhatsApp के द्वारा भी भेज सकते हैं। इसका क्या काम दिया गया है? ये इससे EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और pH चेक होता है, जांच होता है। जैसे सर, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, पहले इस मिट्टी को हम कहाँ पे डालेंगे? मिट्टी को हम पहले, जैसे बोतल है इस तरह की, खाली बोतल मिलेंगी, उसमें थोड़ी मिट्टी डालेंगे और केमिकल एक साथ में देते हैं हर एक पैरामीटर के लिए, वो केमिकल डालेंगे और उसको हम आधा घंटे के लिए इस पे शेकर पे रख देंगे, शेकिंग करेंगे। ये लाल और पीले रंग का क्या? ये केमिकल्स हैं। संकेत क्या है दोनों का? नहीं, ये तो जस्ट केमिकल्स हैं, ये तो हमने जस्ट वैसे दिखाए हैं, अदरवाइज मिट्टी डालने के बाद उनका कलर थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा, ये तो दिखाने के लिए वो रखा हुआ है। और उसके बाद हम उसको फिल्टर करेंगे, फिल्टर करके इसमें ले लेते हैं हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में, और इसमें फिर हम कुछ केमिकल्स और मिलाते हैं, फिर वो कलर अलग, हर एक पैरामीटर के लिए अलग अलग कलर डेवलप होता है। और इससे फिर हम वो सैंपल को हम क्यूएट में ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें मशीन में रख के और इसकी रीडिंग ले लेंगे, तो ये मशीन विद इन सेकेंड्स आपको रिजल्ट दे देती है कि हमारी इसमें सोयल में, हाँ, ये जो है इसमें, ये प्रिंटर है, प्रिंटर पे इस पे इसका रिजल्ट आ जाता है। ये जैसे रिपोर्ट निकली हुई है, इसमें बताया है कि ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, सैंपल कलेक्शन की इसमें सारा वो देंगे, ऑर्गेनिक कार्बन pH कितना है, ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, अवेलेबल नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास, मतलब जितने भी जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब पैरामीटर्स का इसमें रिपोर्ट आ जाएगा। और इसके बाद ये फर्टिलाइज़र की डोज भी रिकमेंड करती है कि कौन सा फर्टिलाइज़र इस रिपोर्ट के आधार पर, कि किसान ने यूरिया कितना डालना है या DAP कितना डालना है या पोटास कितना डालना है, या कि जिंक की कमी है तो जिंक सल्फेट कितना डालना है। इसका एक चार्ज क्या लेता होगा कोई किसी ने शुरू करा तो, क्या फीस होगी इसकी? देखो, वो मिट्टी जांच के लिए कोई भी किसानों से 300 रुपये 400 रुपये किसान से ले सकते हैं, तो उसमें जो मिट्टी जांच केंद्र खोलता है उसको भी कुछ पैसे बच जाते हैं, प्लस किसान को भी एक कम पैसे में और गांव में ही जांच के लिए सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इसका सर प्रोसेस क्या है कि कोई शुरू करे तो क्या प्रोसेस रहेगा उसका? कोई भी इसको शुरू करना चाहता है तो हमारे इसमें ब्रोशर में नंबर लिखे हुए हैं, ये हार्वेस्टो ग्रुप को भी सर्च कर सकता है गूगल पे और हमसे संपर्क करे, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, ट्रेनिंग से लेके
पूरा हम हैंड होल्डिंग करके चलते हैं, उसको मार्केटिंग में भी हम किसानों की हेल्प करते हैं जो भी भाई इसको केंद्र को खोलना चाहता है।